Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में अगले 7 दिन में क्या होने वाला है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल जोडिक साइंस रीडिंग एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, देख लेते हैं कि अगले 7 दिनों में आपकी जिंदगी में क्या खूबसूरत पल आने वाला है। ऑफ कोर्स हम विचार करेंगे, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। इट्स नॉट अ यू कैन से लाइक दैट इट्स नॉट अ वीकली टैरो रीडिंग बट इट इज़ द नेक्स्ट 7 डेज रीडिंग। ऑलराइट, सो जब से आप देखेंगे तभी से वो वैलिड होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। ऑलराइट, 6 ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ स्टाफ, वी डू हैव द सन ऑफ कप्स। ठीक है, वी डू हैव द 2 ऑफ कप्स। ओके, वी डू हैव द पीर दैट इज द हायरोफेंट, वी डू हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 6666 काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। किसी की शुक्र जो है वो रेट्रोग्रेड पोजिशन में जा रहा है एंड वी डू हैव द फूल कार्ड, वी डू हैव द सालिक। आई डू फील कि आप सही से देख पा रहे हैं सारे कार्ड्स को, बाकी डेक भी यूज़ किया जाएगा प्लस थोड़ा सा आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं स्टार्ट करने ही वाली हूँ रीडिंग। थोड़ा सा मैं देखना चाहती हूँ एक चीज़, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव द डेविल, वी डू हैव द हैंग्ड मैन, वी डू हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, वी डू हैव द हायरोफेंट एनर्जी टॉरस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वी डू हैव एक्वेरियस जेमिनी एंड लीब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आई फाइंड डिफरेंट साइंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स। सो मैंने तो आपको बता ही दिया था 6666 काफ़ी ज़्यादा है। All right, and definitely the number 2 is important, the number 12 is important, 15 that is 6 is again important, yahan pe hai 9 of pentacles, so 6 9। All right, so aa jaate hain main mudde ke upar, basically kya aane wala hai agle 7 dinon mein वो तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं आपको आपकी थोड़ा सा करेंट सिचुएशन और आपकी थोड़ा सा पास्ट सिचुएशन, क्योंकि मुझे ऐसा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आता है कि हमको क्या पता कि ये रीडिंग हमारा है या रीडिंग हमसे रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये फ्यूचर का प्रेडिक्शन है। एनीवे, जब मैं करेंट फीलिंग्स करती हूँ तभी मैं बता देती हूँ, और जब मैं अभी फ्यूचर रीडिंग कर रही हूँ तभी भी बताना मेरा कर्तव्य है और मैं इसको पालन ज़रूर करूँगी। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आई डू थिंक सो कि आप एक हेल्दी, बेसिकली हेल्दी रिलेशनशिप का कामना करते हैं, ठीक है, जहाँ पे पूरी तरह से ईमानदारी बरकरार रहे। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपने देखा है आपने बहुत विश्वासघात की सामना किया है, उसके बावजूद भी जब ऐसा रिसेंट पास्ट में हुआ होगा आपके साथ कि आपने विश्वास तो किया कोई इंसान के ऊपर, लेकिन उस इंसान ने अपने जो रियल इमेज है, जो रियल इमेज होता है, जो पोर्ट्रे करने होते हैं, राइट, जो दिखाना होता है, आपस में आप लोग मिल रहे हो तो रियल इमेज ही तो हम एक्सपेक्ट करेंगे सामने वाले इंसान से कि ऐसा हो, बट वो इंसान ऐसा कुछ आपको तो शो नहीं किए।
बेसिकली आप ऐसा भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने कंपनी से या बिजनेस से कि रिवर्स जो है वो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करे। आप जितना मेहनत करते हैं आपको लगता है कि दूसरे लोग भी मेहनत कर ही रहे हैं, आप डिनाई नहीं कर रहे हो कि दूसरा लोग मेहनत नहीं कर रहे, बट एज कंपेयर टू देयर, जैसे बोला जाता है इन मैनेजमेंट, इनपुट के हिसाब से उनके आउटपुट ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करते हो टेस्ट परफॉर्मेंसेस, तो अगर देखा जाए कि आपका टेस्ट रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, आपकी काम करने का तरीका जो है काफ़ी लाजवाब है, उनका भी है, लेकिन आपको तो फिर सामान मिलना चाहिए ना, फिर वो नहीं मिल रहा है इन द प्रेजेंट सिचुएशन, एंड दैट्स वाई यू आर सो बोर्ड विद द जॉब। आप बहुत बोर फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि कभी कभी आपको लगता है इस संसार को छोड़ के चले जाएं, बिकॉज यू सी सो मच पार्शियलिटी। ठीक है, आप नेपोटिज्म देखते हैं, आप ये भी देखते हैं अपने फैमिलीज में, आपने देखा है ये सब चीज़ होते हुए, एंड हम आ रहे हैं। ठीक है, आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप हमेशा ही लोगों के साथ जब बात करते हैं उनके साथ एक फ्रेंडशिप या कनेक्शन बनाने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने जो रिश्तेदार बोलो या आपके पड़ोसी बोलो, यू ऑलवेज ट्राई टू एस्टेब्लिश अ हेल्दी कनेक्शन। या अगर आप कंपनी में भी काम करें, यू एक्सपेक्ट दैट देयर शुड बी इनफ इक्वल रिटर्न। कहीं पे देख रहे हो आप, देयर शुड बी इक्वल रिटर्न, बट वो होता नहीं है, एक्चुअली इट इज़ नॉट देयर। ठीक है, आप जो जिस हाथ से दे रहे हो उसी हाथ से आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ अ ट्रेजेडी। अभी आ क्या रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days, आई वुड लाइक टू से यू दैट नेक्स्ट 7 days में आप थोड़ा सा हो सकता है कि बिजी रह जाओ अपने काम पे, एंड यू वर्क ऑन योर वीकनेस। हो सकता है कि अगले 7 दिन में आप अपने कमज़ोरी के ऊपर काम करें और आपको बहुत कुछ याद आएगा। आई डू फाइंड लाइक दैट बहुत कुछ यादें आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, आपने कहाँ सोचा था कि ऐसा ऐसा नहीं होगा, बट कुछ ऐसा हो सकता है कि रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, अगेन मीटिंग विद द ओल्ड पार्टनर और अ फ्रेंड। ठीक है, या अपने फैमिली कनेक्शन रीएस्टैब्लिश होते हुए आप देख रहे हो। हो सकता है किसी का रोका या एंगेजमेंट, किसी की मैरिज सेरेमनी है, आप वहाँ पे जा रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने ये भी देखा होगा कि आपस में हो सकता है कि बुज़ुर्ग लोग जो है आपके फैमिली में उनके आपस में नहीं बन रहे थे, या हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो भी है उनके बीच में जो प्यार देख के ना आपको फिर प्यार करने का तो मन होगा ही होगा। आप देखोगे कि दे आर इन सो लव विद ईच अदर। सो बेसिकली आपने सोचा था कि नहीं, आई विल कीप अ डिफरेंस, ठीक है, मुझे अभी फोकस करने हैं सारे काम पे, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू फ्लरिश इन माई लाइफ, मुझे सक्सेस चाहिए। सो अगले 7 दिनों में ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो पूर्वज के घर है वो जाओ, आप वहाँ पे समय बिताओ, और तभी आपका ऐसा सीन वहाँ पे नज़र में आ रहा है, एंड यू फॉल इन लव अगेन। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोग वेट कर रहे हैं फॉर अ सर्टेन अप्रूवल फ्रॉम द फॉरेन कनेक्शन। हो सकता है कि पार्टनरशिप के लिए आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ से साइन करके दे देंगे या अप्रूव्ड बोल देंगे, तभी जाके आपका काम जो है वो होता हुआ नज़र में आ रहा है। ठीक है, आई डू बिलीव लाइक दैट कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो, और जितना आप स्पिरिचुअल होंगे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बहुत क्लियरली कि आप जो एक क्या होता है ना, जब हम सोल चक्रस को किसी किसी का, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ, किसी किसी का जो 7 चक्र एक्टिवेट होता है वो खुद से ही हो जाता है ऑटोमेटिकली, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी यू हैड ऑलरेडी गॉन इन टू द डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपके सोल जो चक्रस है, 7 चक्रस है, उसको हील करना। लेकिन उसके क्या है, उसका डिसएडवांटेज भी होता है कि नेगेटिव साइड में क्या है, आपको कभी कभी ज़्यादा एंग्जाइटी फील होना शुरू कर देगा, या आपकी माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो इसमें आप घबराइएगा मत, आप अपने मंत्रस,
मेडिटेशन, चैंट, जो भी आप करते हैं, विश्वास हमेशा बरकरार रखना. आई डू फाइंड एक्सपेंशन. ओके, कुछ ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन से आप ऑटोमेटिकली आपको मुक्ति मिल जाएगा. यू विल हैव द फ्रीडम. ना जब वो फ्रीडम आपको मिलेगा, तब आपको लगेगा कि मेरी रूह जो है वो आज़ाद हुआ है. सो फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू अ वेरी सिंपल सिचुएशन, फ्रॉम अ कम्प्लेक्स सिचुएशन टू अ वेरी सिंप्लीफाइड सिचुएशन आप ट्रैवल करने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट 7 days. आप ये भी रियलाइज कर लेंगे कि कौन आपका अपना है, कौन आपके पराए हैं. विद द डॉटर ऑफ स्वर्ड्स आई डू फाइंड लाइक दैट कि जो एक कर्टन, ठीक है, जो एक पर्दा जो है किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ है और क्यूरियोसिटी आपका बढ़ रहा है कि उस पर्दे को हटाकर जो एक्चुअल सीन है उसको देखना. सो यू विल डू द कर्टन रेजर, यू विल एन्जॉय द ड्रामा बेसिकली. ठीक है, वो मुझे दिख रहा है. एंड सून यू विल कैलकुलेट. हो सकता है कि आपके ऑफिस में कुछ फंड्स की इधर उधर हो रहा था, ठीक है, आप आपके घर का बिजनेस का भी, तो हो सकता है कि आपको बुलाया उन्होंने, आपके दादाजी या नाना, तो बोला कि आप थोड़ा सा देख लो तो कि क्या हो रहा है. तो अचानक आप जब कैलकुलेशन करने गए, तब आपको फाइंड आउट किए कि कुछ यहाँ से डिस्क्रिपेंसी हो रहा है, मतलब कुछ इधर उधर हो रहा है, टैली नहीं कर रहा है. या आप हो सकता है उसमें बहुत अच्छे हो कैलकुलेशंस में. फॉर स्टूडेंट्स आई कैन सी लाइक दैट यू विल बी मच मोर डिटरमाइंड टू, आई कैन से, कंप्लीट द एग्जामिनेशन. चाहे जो भी एग्जाम के लिए आप बैठने वाले हैं, कब वो कंप्लीट होगा, किस दिन होगा, उस दिन क्या करेंगे आप, ठीक है, उसके लिए आप फोकस कर रहे हो, उसके बाद क्या होगा. अगर एग्ज़ाम में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे तो क्या होगा, अगर नेगेटिव आए तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है. सो विल थिंक ऑफ डिफरेंट थिंग्स. ओके, योर हेल्थ विल ऑल्सो बिकम गुड. ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा हवा पानी बदल जाए, हो सकता है कि आप अपने नेटिव हाउस में जाए या विलेज एरिया में जाए, कहीं पे भी दूर जाए, अपने शहर से दूर जाना मुझे यहाँ पे दिख रहा है. आई डोंट नो, फॉर मेनी ऑफ यू इट इज सीन कि आप जा रहे हो, थोड़ा सा हवा, जैसे टेम्परेचर बदल जाता है, क्लाइमेट बदल जाता है, राइट, अलग अलग स्टेट में तो बदल जाते ही है. मे बी यू गो आउट ऑफ द कंट्री, यू फील लाइक, हो सकता है कुछ, पता नहीं, मेरा ऐसा इंट्यूशन कह रहा है, कोई कोई अपने मामा के घर ज़रूर जाएंगे और वहाँ पे जाके मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं वहाँ पे. एंड यस, वाई नॉट, और आपको ना अपने कजिन्स के साथ इंजॉय करते हुए बहुत अच्छा लगेगा. आई डू फाइंड लाइक दैट जैसे यहाँ पे आप ना रिस्क लेना चाहोगे, आप जो पहले रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि इस तरह से कि मैं कुछ करूं, लेकिन आपको भय था, डर था कि ऐसा क्या हो सकता है अगर मैं ये स्टेप ले लूं, तो मुझे दिख रहा है यस, यू विल टेक दैट बोल्ड स्टेप. आप उस बोल्ड स्टेप को लोगे ज़रूर. सो देख लेते हैं यहाँ से भी, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में अगले 7 दिन में क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 7 days, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स. ओके, ये बार बार आ रहा है कुछ दिनों से, होम इन द स्काई. ओके, नाइट राइट, स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम. आप जानते हैं ना स्लीपिंग ब्यूटी का कहानी, वो स्लीपिंग ब्यूटी कौन है आप, आई डोंट नो वेदर यू हैव स्टडीड और नॉट. तो बचपन में हमने यही स्टोरी सुना था कि एक प्रिंसेस थी जिसको थोड़ा सा वो निडल जो है सुई चुभने के वजह से वो परमानेंट, जैसे कोमा स्टेट में चले जाते हैं ना, वैसे सो गई थी और वो नींद से नहीं जाग रही थी. ऐसा बहुत साल निकल गया उसके पैलेस में और बहुत पुराना हो गया सब कुछ, और तब जाके एक प्रिंस आया और उसको उठा दिया. सो स्लीपिंग ब्यूटी इज ड्रीम, इट्स अ कार्ड ऑफ द एम्प्रेस बेसिकली. आई डू फाइंड लाइक दैट फोकसिंग इनसाइड ऑफ योर सेल्फ. जब हम अनकॉन्शियस होते हैं तब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली, ऐसा माना जाता है अगर जब हम बेहोश हो जाते हैं, जनरली वी आर डिसकनेक्टेड राइट फ्रॉम द आउटर सोसाइटी, सो हम डिसकनेक्ट हो जाते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे यही है,
होंगे तो आप अपने घर में ही, लेकिन आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे बाहर से। मतलब यहाँ पे एक बाउंड्री बना रहे हैं आप, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल एंजॉय दिस थिंग ऑल्सो। ठीक है, आप अपने ही धुन में काम करते हुए नजर में आ रहे हो। यू विल एंजॉय योर ओन फ्रीडम। ठीक है, ऑफकोर्स आपके अगर फैमिली है, बच्चे हैं, उनके साथ आपका समय बिताना, ठीक है, वो है। एंड हो सकता है कि आप मोबाइल को भी स्विच ऑफ कर दे। इस तरह से यू आर गेटिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, बट यू आर कनेक्टिंग विद इन योर सेल्फ। बहुत कुछ चीज़ रियलाइज करने वाले हो आप। आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके अगेंस्ट में कुछ प्लॉट कर रहा है, स्कीम कर रहा है, कौन आपके अगेंस्ट में षड्यंत्र रच रहे हैं, क्यों रच रहे हैं, वाई। एंड यूनिवर्स जो है वो उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं, व्हाट इज़ द हिडन प्लान, आपके क्या एक्शंस रहेंगे। एंड आई डू फाइंड जहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पे आया है विद अ नाइट राइड, आई डू थिंक सो हो सकता है कुछ लोग ऐसा वीकेंड्स टूर में जाए अपने पार्टनर्स के साथ, एंड लॉन्ग टूर एंड ड्राइव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। वो जो वातावरण होता है ना, आप हाईवे से कभी जाके देखना, नेशनल हाईवे से, और सुनसान रास्ता है लेकिन मज़ा आ जाता है। एक्सेप्ट द फैक्टर दैट देयर शुड बी सेफ्टी, अदरवाइज इट्स गुड टू हैव अ वेरी गुड राइड। ठीक है, चाहे वो बाइक में हो, चाहे वो सफ़र एक गाड़ी में हो, तो वो होगा। स्पेशली व्हेन इट इज़ अ मॉनसून, इट शुड बी लाइक दैट, इट्स वेरी रोमांटिक एक्चुअली। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप करीब आते हुए अपने पार्टनर के साथ, उस तरह से मुझे महसूस हो रहा है। नाउ लेट मी गो फॉर दिस कार्ड्स। नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा क्या हो सकता है, लेट मी सी। साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, हो सकता है कि आप इसमें इंटरेस्ट लो कि नहीं, मुझे साइबर सिक्योरिटी को लेके एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, उसको लेके बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, गॉन्ग। सो देयर शुड बी अ, यू कैन से दैट बिल जो एक अवेकनिंग के तरह काम करेगा। प्रॉपर्टी राइट्स, जो मैंने आपको बताया कि कुछ अगर मसले है रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ ज़मीन जायदाद को लेके, तो वो सॉल्व हो सकते हैं। अनकेयरिंग एंड प्रेडेटरी एनवायरनमेंट, मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन है, जो आपको कब्ज़ा करके रखा था, बेसिकली आपके मन को जो कब्ज़ा करके रखा था, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। एम्प्टी वेसल साउंड मच, कुछ लोग आपके आसपास ऐसा बिहेव कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 7 डेज, जैसे वो आपसे काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति है। जैसे बोला जाता है ना, खाली बर्तन ज़्यादा ही बचता है, उस तरह से। वेडिंग कार्ड्स मैंने भी कहा था, किसी का या आपका होने वाला है। अगेन अपकमिंग वेडनेसडे इज इम्पॉर्टेंट। एज डिफरेंस, हो सकता है जिनके साथ आपकी शादी हो रही हो, या आपकी बहन की, या आपके कजिन सिस्टर या ब्रदर की, हो सकता है एज डिफरेंस हो। कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन में हो सकता है, सो प्लीज़ मार्क योर वर्ड्स। कहीं पे भी आप बात करें, स्पेशली प्रोफेशनल एरिया में जहाँ पे आपकी सैलरी या पैसा को लेके बात होता है, वहाँ पे थोड़ा सा आप कॉन्ट्रोवर्सी अवॉइड करें। या कोई ऐसा रिलेशनशिप और रेड क्लॉथ आपके लिए लकी हो सकता है। 100% क्लैरिटी ऑन द पास्ट इशूज, अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टूअर्स यू। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू क्लेम द रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग। डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज, एंड लव यू अ लॉट, एंड टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ।